युवान क्या कर रहा है तू? छोड़ उसे। सेठ जी क्या कर रहा है? कबीर बन्नी को छोड़ो अभी अभी, छोड़ो उसे प्लीज। भाभी रो क्यों रही है? तो और क्या करूं मैं कबीर? क्या कर रहे थे तुम? जान लेना चाहते हो बन्नी की? एक बार पहले भी तुमने बन्नी की जान लेने की कोशिश की है, आप फिर वही कर रहे हो। इतने बुरे कैसे हो सकते हो? वो हमारे बीच में आ रही थी तो लिखा मैं जान ले लूंगी तो उसकी तुम। ये कैसा प्यार है कि किसी की जान लेने पर उतर आए हो तुम। कहा है ना मैंने तुमसे, हमारे बीच में कोई आई है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज बस करो, बस करो, हाथ जोड़ती हूँ मैं, बस करो। तुम बस करो। रोना बंद करो तुलिका। हजार बार कहा है ना मैंने तुमसे, मुझे तुम्हारे आंखों में आंसू देखना पसंद नहीं है। आंसू पूछ उठे। तुम्हें लगता है मैंने गलत किया तो तुम मुझे सजा दो, पनिश मी। मैं नहीं मारूंगा बन्नी को, तुम मुझे मारो। नहीं, क्या कर रही हो तुम? Stop it! बस करो, बस करो, बस करो। Please बस करो। मैं नहीं रो रही हूँ। मुझसे एक प्रॉमिस करोगे? आज के बाद बन्नी पर हाथ उठाने के बारे में, उसे चोट पहुँचाने के बारे में, उसे मारने के बारे में सोचोगे भी नहीं। वादा करो मुझसे अभी प्लीज। किया प्रॉमिस, मैं आज के बाद बन्नी पे हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं बन्नी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। पर मेरी एक शर्त है, शर्त ये कि तुम्हें यहीं रहना होगा तुलिका, मेरे साथ इसी घर में। लेकिन अगर इस बन्नी ने मेरे और तुम्हारे बीच में आने की कोशिश भी की, तुम्हें रुलाने की कोशिश की, तुम्हें दर्द लाने की कोशिश की, तुम्हें किसी भी तरह से परेशान करना चाहा, तो मैं सारी कसमें तोड़ दूंगा तुलिका, सब भूल जाऊंगा और फिर मैं इस बन्नी को खत्म करके ही मानूंगा। बन्नी तो ठीक तो है ना बेटा? हाँ तो साहब हमारे को बस मारे मस्ती चढ़ो। Unbelievable. Split personality. मतलब आज जो हमें मिला और जिसने ये सब किया वो युवान की स्प्लिट पर्सनालिटी थी और वो इसलिए आई है क्योंकि वो युवान की जिंदगी नहीं जीना चाहती। देखिए आप सब जानते हैं युवान हमेशा से लाचार की जिंदगी जीता है जिसे हमेशा दबाया गया है। अब ऐसा समझिए जैसे अगर किसी ऐसे इंसान को अपने आप को लेकर दुनिया से खतरा महसूस होता है तो ऐसे में उसका दिमाग उस इंसान के अंदर एक सुरक्षा कवच रेडी करता है, लाइक डिफेंस मैकेनिज्म। हो सकता है युवान के अतीत में उसके पास में कोई ऐसी घटना घटी हो या कोई ऐसी बात हुई हो जिससे वो आज भी अनसेफ फील करता है, जिससे वो आज भी बचना चाहता है। और ये भी हो सकता है कि युवान इस बात से टोटली अनजान हो, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है। हो सकता है शायद इसीलिए उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी पैदा हुई है ताकि वो इस खतरे से इस ट्रॉमा से लड़ सके। युवान तो सबसे ज्यादा मानिनी से डरे था, उससे बचे था हमेशा बचपन में। और मानिनी अब तो जेल में है, अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। हमारा छोरा किससे डरे है यो ही समझ ना पा रहा हूं मैं। जी मेरी बात हुई है डॉक्टर संजय से इस बारे में। उन्होंने मुझे युवान के पास का एक इंसिडेंट बताया था जिसमें युवान ने अपनी माँ को चलकर मरते हुए देखा था। अब देखिए हो सकता है ये एक रीजन हो या फिर हो सकता है कोई और डर हो जो युवान के दिमाग से निकला ही नहीं, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी बात है उसके पास से रिलेटेड जो हम में से किसी को भी नहीं पता। तुलिका अब हाँ अभी आई। युवान को तो कुछ नहीं याद है लेकिन कबीर को सब याद है। कबीर उस हादसे और उस ट्रॉमे की वजह से ही है। वो हादसा इतने साल पुराना हादसा। तुमने आवाज लगाई? थैंक यू बोलना था। यहाँ मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू तुलिका। तुम मेरे साथ रहती हो ना तो मुझे सुकून फील होता है, शांति, पीस। आज डिनर पे साथ चलोगे मेरे? मना मत करना, मुझे जबरदस्ती करना अच्छा नहीं लगता। नहीं मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जाएंगे। अमेजिंग। कहाँ जा रही हो? डिनर पे जाना है ना तो रेडी होना होगा। राइट। एकदम सुंदर दिखना है तुम्हें, इतना सुंदर कि तुम्हें देखते ही मेरी सांसें रुक जाएं। तुलिका सब ठीक? मैं तो यही सोच के खुश था कि हमारा छोरा आज पूरी तरह ठीक हो गया। अब घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। शायद मुझे महाराज हमारी और परीक्षा लेना चाहे। और बन्नी उस बेचारी के जीवन में तो युवान को लेकर संघर्ष ही खत्म ना हो रहा। मैंने उस छोरी का जीवन ही बर्बाद कर दिया उसका युवान के संग में रचा के। दादू साहब हिम्मत कैसे हार सकते हैं? आप युवान की सबसे बड़ी ताकत है। युवान ठीक हो जाएगा, पहले भी ठीक हुआ था ना युवान। हाँ ये लड़ाई मुश्किल है लेकिन इस बार हम सब उसके साथ खड़े हैं। इस बार भी वो जीत जाएगा। आप अपने युवान पर और इस बार अपने इस पोते पर भरोसा कीजिए। बन्नी, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए बन्नी। अरे वो कबीर मुझे डिनर पर ले जाना चाहता है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बन्नी। मेरा यकीन करो, विश्वास करो मुझ पे, मुझे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे पति से, ना युवान से, ना कबीर से लेना देना है मुझे। देखो मैं मानती हूँ, मैं कबीर के टूवर्ड्स थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो कबीर के रूप में आया था मेरे करीब। एंड आई स्वेयर टू गॉड, प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने अपनी तरफ से कभी कुछ नहीं किया। ये सब जो भी हुआ है उसकी तरफ से हुआ है। तुमने देखा है बन्नी, वो मेरे सामने आती है उसका बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है। हाँ तुलिका, मैं सब जानू, मैं समझू, इसमें थारी बिल्कुल भी कोई गलती नहीं। हमारे को थारे पे पूरा भरोसा है। पर तुलिका, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसे हमें जल्द से जल्द ठीक करना होगा, और इसमें हमारे को थारी घनी जरूरत है। बल्कि हमें तो एक दूसरे की मदद करनी होगी। थारे को हमारी मदद करनी होगी हमारे पति युवान को बचाने में, और मैं थारी मदद करूंगी उस कबीर से पीछा छुड़वाने में। आज देखा ना कैसे वो थारे समझाने पे सब समझ जावे। थारे को देखते ही वो उसके अंदर का वो राक्षस एकदम शांत हो जावे। आज देखा नहीं कैसे वो युवान कबीर अपने ही परिवार को दुश्मन समझ के चोट पहुंचाने वाला था। ये सब देख के ना हमारे को डर लगे कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले, किसी और को चोट या युवान। तुलिका, क्या तुम हमारे पति और हमारे पूरे परिवार को बचाने में हमारी मदद कर पाओगी? प्लीज। हाँ बनी, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। आई प्रॉमिस, मैं वादा करती हूँ तुमसे। तुलिका, सबसे पहले तो थारे को युवान कबीर के साथ उस डिनर पे जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो थारे साथ रहेगा ना, वो शांत रहेगा और हमारे युवान पे हावी भी नहीं होगा। प्लीज तुलिका, प्लीज। हाँ बनी, मैं दूंगी तुम्हारा साथ, प्रॉमिस करती हूँ, वादा करती हूँ तुमसे। तुलिका बनी, मैं रखती हूँ, बाय, थैंक यू। बहुत मुश्किल है अगस्त्य, बहुत तकलीफ हो रही है। अपने प्यार को किसी और के साथ देखना, अपने प्यार को किसी और के साथ बांटना नहीं हो रहा मुझसे। अपने प्यार के हाथ को किसी और के हाथ में देना, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी आत्मा ना हमारे जमीन से अलग हो रही है। बट हमारे को ये सब सहना होगा ना, युवान के लिए, युवान को ठीक करने के लिए। क्यों बन्नी, क्यों और कब तक बन्नी, कब तक युवान के लिए जीती रहोगी और ऐसे हर पल मरती रहोगी? बन्नी, तुम्हें खुशियों का हक है, प्यार का हक है, और वो हक मैं तुम्हें दे सकता हूं। छोड़ दो ये भाग और चलो मेरे साथ। I love you, Banni. अगस्ता? नहीं, वो तुम्हारे दादू साहब का फोन है। जी ठीक है। क्या हुआ? नहीं, वो बाहर ही है। चलो। अच्छा चलते हैं। दादू साहब, दादू साहब भीतर आइए। दादू साहब ना बेटा, ना क्यों लेकर आऊं भीतर में? भगवान ने सब बिगाड़ कर रख दिया, सारे रिश्ते नाते सब कुछ। और इसे माफी मांगने आया हूँ बेटा, मेरे को माफ कर दे, मैंने बहुत गलत करा था। दादू साहब ये क्या कर रहे हो आप? बड़ों के हाथ सिर्फ बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए, माफी मांगने के लिए ना हाथ झुके ना सिर। भाभी, तुलिका ने हमें सब बता दिया कि कैसे युवान की पर्सनालिटी पर कबीर की पर्सनालिटी हावी है, और ये कबीर ये बहुत डेंजरस है और बहुत ताकतवर भी। ये हमारे सीधे साधे युवान को बाहर नहीं आने देगा, और कहीं ऐसा हो गया कि हमारा युवान 2 हफ्ते तक बाहर नहीं आया तो हम युवान को हमेशा के लिए खो देंगे। युवान हमेशा के लिए कबीर बन जाएगा। पता नहीं वो ईश्वर की कैसी मार है, मरा अपना ही पोता युवान खुद का ही हम सब का दुश्मन बना बैठा है। मैं अपने युवान ने खोना ना चाहूं बेटा। ना 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 चाहिए हमारे को ऐसा ऐसा क्रूर, निर्दयी, इतना गुस्से वाला युवान जो 2 हफ्तों तक जो कबीर उस पे इसी तरह हावी रहा ना, तो युवान के साथ साथ उसका ये दादू भी खत्म हो जाएगा। ये क्या बात कर रहे हो आप दादू साहब? हाँ? अरे बन्नी के रहते ऐसा कभी हो ही ना सके। अरे बन्नी वो है जो सूखे पत्तों में से स्वाद निकाल कर दिखा सके, तो ये क्यों ना दादू साहब? ये बन्नी का वायदा रहा आप सबसे। मैं युवान के अंदर से वो हमारा वाला युवान बाहर निकाल के रहूंगी, सामने ला कर ही रहूंगी। मैं इस कबीर को तो जाना होगा, कबीर को तो ना जीतने देगी बन्नी। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।